Sociology of Development, Topic 92, Types of Equality. There are few types of equality. The first one is the civil equality, when law permits all people to enjoy various rights, liberties, opportunities and privileges. जो सिविल इक्वालिटीज़ हैं उसमें कानून की नज़र में और कानून उसमें इजाज़त देता है कि सब लोग एक ही तरह के अपने राइट्स इंजॉय करें, एक ही तरह की उन्हें आज़ादियाँ मिलें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें और उन्हें सहूलतें ही मिलें. लाख सिविल इक्वालिटीज़ ये हैं कि स्टेट के सिटीजन्स की नज़र में सबके राइट्स बराबर हैं, किसी के लिए एक कानून नहीं है, दूसरे के लिए दूसरा कानून नहीं है. उनकी इंसानी आज़ादियां भी हैं, उनको जहां मर्जी रहने का हक है, बोलने का हक है, जॉब करने का हक है, जॉब छोड़ने का हक है. उनकी जो सिविल लिबर्टीज हैं उन पे स्टेट जो है उसको कमिट करती है और उसको इंश्योर करती है. और अपॉर्चुनिटीज आर प्रिविलेजेस, ये जो अपॉर्चुनिटीज स्टेट प्रोवाइड करती है, कुछ जॉब्स आनी चाहिए तो लोगों का इक्वल चांस हो वहां अप्लाई करने का और उसके लिए कम्पीट करने का. अगर कोई रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, कोई लोन्स हैं, कोई बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने हैं तो स्टेट इंश्योर करती है कि ये सारी चीजें कुछ लोगों तक ही लिमिटेड ना हो, बल्कि सब लोग जो है इसमें रोल प्ले कर सकें, सब लोग इसमें इन अपॉर्चुनिटीज से बेनिफिट्स ले सकें. पॉलिटिकल इक्वालिटी. Political equality implies that all citizens should have political rights and should have equal access to offices of authority. It implies to exercise franchise rights, contest for political position, to express opinion. Political equality जो है इसमें state ensure करती है कि सब लोगों के लिए equal political opportunities हों, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें इस तफरीक के बगैर कि कोई मर्द है या औरत, कोई गरीब है या अमीर, कोई सुपीरियर कास्ट का है या कोई दूसरी कास्ट का है, कोई शहर का रहने वाला है या कोई देहात का रहने वाला है. स्टेट इंश्योर करती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, सब लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें. कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए कोई पाबंदी ना हो. वोट डालना चाहता है तो उसको आजादी हो कि किसने किसे वोट डालना है. जो पोजीशंस हैं, जो पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, वो काउंसलर से लेके एमपीएस एमएनएस तक हर किसी का राइट है कि वो उस पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने और अल्टीमेटली पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आए बैठे रोल प्ले करे. दिस इज द पॉलिटिकल इक्वलिटी जिसमें सिटीजन ऑफ सोसाइटी पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती पॉलिटिकल प्रोसेस में एंटर होने की. सोशल इक्वालिटी. इट मींस दैट ऑल सिटीजन आर इक्वली एलिजिबल टू एंजॉय वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सोसाइटी. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, सेक्स आर टू बी अवॉइडेड एंड नो वन शुड बी डिबेल्ड फ्रॉम एंजॉयिंग सोशल privileges and prestige etc. हर सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है. उस सोशल स्ट्रक्चर में कुछ लोग डिप्राइव्ड होते हैं, कुछ लोग जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वहां कास्ट की बुनियाद पे, वहां आपकी फैमिली आइडेंटिटी की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद पे, एथनिसिटी की बुनियाद पे डिवीजन जरूर होती है. लेकिन स्टेट जो है उसका काम है कि वो सोशल इक्वलिटी को इंश्योर करे, क्योंकि ये डाइवर्सिटी तो है लेकिन इसकी वजह से किसी की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसकी वजह से कोई सोशल प्रिविलेजेस जो हैं और सोशल प्रेस्टीज जो है जो स्टेट को चीज स्पॉन्सर करती है, कोई किसी तरह महरूम ना रह जाए. नेचुरल इक्वालिटीज. इट इज इंप्लाइज दैट ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, आर इंडोर्ड विद equal gift and talent. Society to provide those social and economic opportunities that offer equal chances. ये society कहती है कि सब लोग बराबर पैदा हुए हैं,
उनमें से कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है. जो डिविजन है बाद में वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और चांसेस हैं उन तक जो है इक्वल एक्सेस जो है वो स्टेट इंश्योर करेगी. इसी तरह इकोनॉमिक इक्वेलिटी ये है कि जो वेल्थ की एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो मेल और फीमेल को इक्वली अपॉर्चुनिटी भी होगी और प्रोवाइड किए जाएंगे के जो सोसाइटी में जो वर्ल्डली गुड है, जो वेलबींग है वो हो सके. ये नहीं हो सकता कि एक क्लास को या एक तबके को इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी मिले और दूसरे तबके को इकोनॉमिकली डिप्राइव कर दिया जाए ड्यू टू पॉलिसीज. स्टेट इसको स्ट्रिक्टली जो है दिस इज द प्रोहिबिटेड इन अ मॉडर्न स्टेट.